The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, talking about echocardiography. हार्ट का एक बहुत ही जरूरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है इकोकार्डियोग्राफी और इकोकार्डियोग्राफी को इको भी बोलते हैं 2D इको भी बोलते हैं 3D इको भी बोलते हैं प्लेन पेनलेस टेस्ट है कोई रिस्क नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें अल्ट्रासाउंड की वेव्स यूज होती हैं और इससे आपके हार्ट की वीडियो निकल सकती है एक मूविंग पिक्चर दिख सकती है हमको हार्ट कैसे काम कर रहा है उसका साइज क्या है उसका शेप क्या है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो सही है गलत है वेल्व्स कैसी है सारी की सारी जानकारी हमें क्लियर कट दिख जा सकती है एक इकोकार्डियोग्राफी में आपके हार्ट के चेम्बर्स फैल तो नहीं गए हैं और एटसेट्रा एटसेट्रा सो इकोकार्डियोग्राफी में पिन पॉइंट कर सकते हैं हम कि अगर हार्ट के किसी एक हिस्से की कोई मसल को ब्लड सप्लाई कम है तो वो हिस्सा कम कॉन्ट्रैक्ट करेगा ठीक है तो वहां पर या तो डैमेज हो जाएगा तो पतला हो जाएगा हिस्सा पतला हो जाएगा वो एक हिस्सा हार्ट का और वो कम कॉन्ट्रैक्ट करेगा या नहीं कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमें पता चल जाएगा वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं है सो इससे हमें हार्ट अटैक होते हुए दिख जाता है ऐसे और अटैक होने के बाद जब वो हिस्सा सिकुड़ जाता है पतला हो जाता है एट्रोफीड हो जाता है तो भी दिख जाता है सो इकोकार्डियोग्राफी ऐसे की जा सकती है इकोकार्डियोग्राफी में एक एडिशनल एस्पेक्ट है एडवांस चीज जिसको बोलते हैं डॉपलर स्टडी डॉपलर अल्ट्रासाउंड कलर डॉपलर का मतलब है कि हम ब्लड को फ्लो होते हुए देख सकते हैं ब्लड को फ्लो होते देख सकते हैं तो हाउ वेल कितनी अच्छे से फ्लो हो रहा है कहीं से लीक तो नहीं हो रहा कहीं कोई प्रेशर बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं लिटरली ब्लड फ्लो होने का प्रेशर देख सकते हैं हम हार्ट के अंदर इधर से उधर जाने का उधर से उधर जाने का वेल्व्स के थ्रू दरवाजे के थ्रू निकलने का प्रेशर कैसा है मान लो किसी भी चीज के अंदर मान लो हार्ट में तो वेल्व्स बहुत सारे चार बेसिक बड़े बड़े वेल्व हैं छोटे छोटे वेल्व्स हैं तो बड़े बड़े वेल्व्स हैं दरवाजे हैं दरवाजे अगर पूरे नहीं खुल रहे तो अगर कोई पाइप पानी के पाइप को भी पूरा नहीं खोलोगे दबा दोगे आगे से तो प्रेशर बढ़ जाता है ना तो प्रेशर बढ़ जाएगा तो प्रेशर पता चल जाता है बढ़ रहा है कम हो रहा है तो वेल्व्स हार्ट के चेम्बर्स सब कुछ सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ये हमें इकोकार्डियोग्राफी से पता चल जाता है डॉपलर स्टडीज हार्ट के डिफेक्ट्स भी बता देते हैं हार्ट के अंदर छेद है देयर इज अ होल इन द हार्ट बचपन से होल है बच्चों में इन्फेंट्स में तो वो भी दिख जाएगा राइट चिल्ड्रन में राइट सो इकोकार्डियोग्राफी बड़ा काम का और बहुत जोरदार इंपॉर्टेंट टेस्ट है पेनलेस टेस्ट है कोई साइड इफेक्ट नहीं है आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी हो आप प्रेग्नेंट हो आपको कोई रिस्क नहीं है इको में सो इको किसको कराना चाहिए सबको करना चाहिए लेकिन शुरू कब से करना चाहिए क्या हर साल हर दिन हर महीने नहीं तो एक साइन एंड सिम्टम अगर आपको है रिस्क फैक्टर अगर आपको है हार्ट की बीमारी के तो आपको इको कराना चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सांस फूल रहा है मान लीजिए आपको पैरों में सूजन है आपको छाती में दर्द है तो ये साइन है हार्ट के कमजोरी के हार्ट अटैक के हार्ट फेलियर के तो आपको इको करा के देखना चाहिए कि हार्ट कमजोर तो नहीं है हार्ट ठीक है कि नहीं अगर आपको छाती में दर्द हो रहा है या ये स्टेथोस्कोप से सुनने में हार्ट में साउंड आ रहे हैं मरमर आ रहे हैं हार्ट में सर मरमर आ रहे हैं तो ऐसे में भी आपको इकोकार्डियोग्राफी करके देखनी होगी और इससे हार्ट की पंपिंग पता चल जाएगा हार्ट ठीक है या लंग्स के वजह से सांस फूल रहा है क्या हो रहा है मरमर है तो कहाँ है लीकेज तो नहीं है एटसेट्रा एटसेट्रा पता चल जाएगा हार्मलेस है या हार्मफुल है आगे चल के दिक्कत तो नहीं करेगा सो इको और भी कारणों से किया जा सकता है आपके डॉक्टर को अगर देखना है कि हार्ट की वेल्व्स कैसे काम कर रही है हाई ब्लड प्रेशर के वजह से हार्ट की साइज तो नहीं मोटा हो गया हार्ट का बिकॉज वो होता है LVH हो जाता है वैसा तो नहीं है कोई बचपन से कोई कंजेनाइटल बीमारी तो नहीं है राइट ये सारी चीजें हार्ट अटैक तो नहीं है हार्ट वेल्व प्रॉब्लम तो नहीं है वेल्व्स में प्रोलैप्स तो नहीं है वेल्व्स लीक तो नहीं हो रही वेल्व्स खुल बंद सही से खुल रही क्यों नहीं कि नहीं ब्लड क्लॉट तो नहीं है कहीं आपको स्ट्रोक हो गया मान लो किसी को खुदा ना खास्ता स्ट्रोक हो गया दिमाग में लकवा हो गया पैरालिसिस हो गया ब्लड क्लॉट निकल आया तो ब्लड क्लॉट आया कहाँ से ब्लड क्लॉट ब्रेन में आया कहीं से तो आया पैर में से आया या हार्ट से आया तो हार्ट का इको होता है कैरोटिड डॉपलर होता है पैर का अल्ट्रासाउंड होता है पैरों का डॉपलर होता है खून की नसों का ब्लड फ्लो देखा जाता है कि आया कहाँ से ये आया कहाँ से राइट सो दैट इज देयर सो इकोकार्डियोग्राफी कई सारी चीजों में कोई भी मेजर ऑपरेशन से पहले इकोकार्डियोग्राफी की जाती है अगर अनलेस अंटिल आप बहुत ही यंग है बहुत ही यंग लोगों को नहीं करते
सो ये इकोकार्डियोग्राफी है. सो इकोकार्डियोग्राफी के भी टाइप्स है और उसके सेवरल टाइप्स है. सारे ही केस में हमारा अल्ट्रासाउंड यूज होता है, प्लेन साउंड वेव्स और मूविंग पिक्चर हार्ट की दिखती है. सेम टेक्नोलॉजी हर जगह अप्लाई होती है, अलग अलग तरीके से होती है. एक्सरे, एक्सरे में रेडिएशन यूज हो रहा है, वो बार बार करेंगे तो हार्म होगा बॉडी को. इको में नहीं, इको में कोई ढाम नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जीरो. तो ये जो बाहर से किया जाता है इको, जैसे पेट का अल्ट्रासाउंड बाहर से किया जाता है, बाहर से करने वाले को बोलते हैं कि ऊपर से करना, उसको बोलते हैं ट्रांस थोरैसिक. मतलब ये थोरैक्स यानी चेस्ट है, चेस्ट के ऊपर से करने वाला इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं, ट्रांस थोरैसिक इकोकार्डियोग्राफी. ये बहुत ही पेनलेस, बहुत ही नॉन इन्वेजिव है, कोई भी कराओ, कभी भी कराओ, कोई दिक्कत नहीं है. एक और इकोकार्डियोग्राफी होता है जिसको कहते हैं ट्रांस इसोफेजियल. मतलब जैसे कि एंडोस्कोपी करते हैं, मुंह के अंदर ट्यूब डालते हैं, वो ट्यूब गले में खाने फूड पाइप में जाती है. फूड पाइप क्या है, बिल्कुल हार्ट को लग के है ऐसे, तो हार्ट के एकदम बगल में जाके हम इको कर सकते हैं. यहाँ पे फिर भी गैप है इतना बड़ा कि हार्ट अंदर होगा, छाती है, बल्ब है, उसमें लंग्स है बीच में. तो अगर कहीं मान लो लंग्स किसी का खराब है, किसी को टीबी है, किसी को अस्थमा है, किसी को सीओपीडी है, तो लंग्स इतने खराब है, लंग्स में पानी भरा है कि लंग्स के थ्रू साउंड वेव जा ही नहीं रहे, तो हमें लंग्स के थ्रू इको दिख ही नहीं रहा, तो फिर या सही से नहीं दिख रहा, क्लियर व्यू नहीं आ रहा, तो फिर ट्रांस इसोफेजियल मुंह के अंदर से पाइप डाल के, जो एंडोस्कोप डाल के, उसमें इकोकार्डियोग्राफी की जा सकती है, ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी. इसमें सिर्फ क्योंकि एंडोस्कोपी वाला जो भी रिस्क है वो रिस्क है, उतना कुछ नहीं, और ज्यादा कोई रिस्क नहीं. ये हो गया. पेट के अंदर जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके अंदर जो बच्चा है उसको फीटस बोलते हैं. प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर बच्चे को बोलते हैं फीटस. फीटस के अनबॉर्न बच्चा, बच्चा पेट में है, बच्चा पैदा नहीं हो, उसका भी इकोकार्डियोग्राफी होता है, उसका भी हार्ट देखा जा सकता है. वो बच्चे के इसके अंदर से, माँ के पेट के ऊपर से बच्चे के दिल के अंदर देखा जा सकता है, उसको बोलते हैं फीटल इकोकार्डियोग्राफी. वो भी एक बहुत जोरदार टेस्ट है और ये भी रिकमेंडेड होता है हर केस में, हर प्रेगनेंसी में करना चाहिए कायदे से. कई लोग नहीं कराते लेकिन करना चाहिए हर एक को. एक टाइम होता है जिसमें बेस्ट टाइम होता है देखने का, वो होता है 18 to 22 weeks ऑफ प्रेगनेंसी. 18 से 22 हफ्ते हो जाते हैं जब, तो उस बीच ये टेस्ट करना चाहिए प्रेगनेंसी में. फिर आता है इसके थर्ड वर्जन, आता है 3D. जो नॉर्मल इको होता है 2D होता है. 2D मतलब दो डायमेंशन है. एक होता है 3D को, 3D में क्या एक और डायमेंशन आ जाता है, तो पूरा घुमा घुमा के देख सकते हैं आप इमेज, जो कलरफुल इमेज दिखने लग जाती है वो इमेज बनाई जा सकती है, दैट इज अ 3D को. अब 4D को भी आने लग गए, तो हार्ट के वैल्व को, हार्ट के या बच्चे को अच्छे से देखने के लिए, जैसे अल्ट्रासाउंड 4D आ गए, वैसे हार्ट के वैल्व को देखने के लिए 4D इकोकार्डियोग्राफी आ गई है. वैल्व सर्जरी से पहले वैल्व को देखना, हार्ट के अंदर कुछ क्लॉट व्लॉट है कुछ देखना, तो ऐसी चीजें जरूर देखी जाती है. सो ये हुए टाइप्स. उसके ऊपर एक और टाइप है जिसको बोलते हैं स्ट्रेस इको. स्ट्रेस इको क्या है, देखो नॉर्मल लेटे लेटे करा तो लेटे हो, रेस्टिंग स्टेट में किया तो दैट इज एन इकोकार्डियोग्राफी. व्हेन यू डू द टेस्ट व्हेन यू आर रनिंग और व्हेन योर हार्ट इज रनिंग बेसिकली, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी. तो इसको स्ट्रेस पैदा करने के लिए आपके हार्ट को दौड़ाना पड़ेगा. हार्ट को दौड़ाने के लिए आइदर आपको दौड़ाया जाता है ट्रेडमिल पे, फिर दौड़ने के बाद स्पीड बढ़ गई, हार्ट रेट बढ़ गया, आपका आइडियल हार्ट रेट आ गया, फिर फट से लेटा के फट से इको कर दिया जाता है. या फिर आपको लेटा के दवाई दी जाती है इंजेक्शन, जिससे धड़कन बढ़ती जाती है और लगातार इको करते जाते हैं, देखते जाते हैं कि हार्ट रेट बढ़ने पर कहीं हार्ट के अंदर कोई बीमारी तो नहीं निकल के आती. हार्ट रेट बढ़ने पर कहीं वो हिस्सा जो हार्ट का सही से काम कर रहा था, हार्ट रेट बढ़ने पर एक हिस्सा काम करना बंद तो नहीं कर देता और दूसरा हिस्सा काम कर रहा है, मतलब वो हिस्सा उसमें ब्लड फ्लो मिनिमम जा रहा है कि रेस्टिंग स्टेट में तो वो काम कर रहा है, डिमांड बढ़ गया तो काम नहीं कर रहा. तो वो भी हार्ट की बीमारी, हार्ट अटैक होने से पहले डायग्नोस करने वाला टेस्ट है स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी. ये भी कई बार बड़े ऑपरेशनों से पहले किया जाता है, क्योंकि पेशेंट जिसको रिस्क फैक्टर है, बीपी, शुगर, थायराइड है, मोटा है, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू पीता है, पहले हार्ट की बीमारी है, उन पेशेंट को डायरेक्ट ऑपरेशन में ले लो, ऑपरेशन के बीच में हार्ट अटैक होगा तो क्या करो, है कि नहीं. तो इसलिए पहले स्ट्रेस इको होता है. इसका स्ट्रेस इको का ऑल्टरनेटिव होता है स्ट्रेस थैलियम और TMT भी इसका ऑल्टरनेटिव है. TMT में और स्ट्रेस थैलियम में इको का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए आज उसकी बातचीत नहीं कर रहे हैं, उसका वीडियोस अलग है. बात हो गई इको कार्डियोग्राफी, क्या होता है इको कार्डियोग्राफी में, क्या एक्सपेक्ट करते हो बता चुके हैं, कोई दर्द नहीं होगा, ऊपर से चेक किया जाएगा, किसी प्रकार के कोई प्रीरिक्विजाइट, खाली पेट रहना है वो उसकी जरूरत नहीं होती है. सो दैट इज देयर, वेरी वेरी गुड टेस्ट. एंजियोग्राफी जिनकी की जाती है, एंजियोग्राफी से पहले भी इकोकार्डियोग्राफी की जाता है और इकोकार्डियोग्राफी में आपको कोई रिस्क नहीं है, किसी प्रकार का कोई
ट्रांस इसोफेजियल वाले जो TEE होता है उसमें थोड़ा सा रिस्क होता है, क्योंकि मुंह में वो डाला जाता है तो थोड़ा सा वहाँ पे कभी चोट लग सकती है, कभी ब्लीडिंग हो सकती है। वो उसके अलावा बाहर से करने वाले इकोकार्डियोग्राफी में कोई भी किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं है, आप सेफली की जा सकती है किसी भी प्रकार के कंडीशन में। सो इससे मदद होती है किसी भी प्रकार के हार्ट की बीमारी को डायग्नोस करने में, कई बार हमारे ट्रीटमेंट के लिए नेक्स्ट स्टेप लेने में, हार्ट की ट्रीटमेंट चल रहा है, हार्ट की बीमारी पता है, नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए फिर से इको किया जाता है अब हार्ट कैसा है ये देखने के लिए, कोई भी चेंज हो, कोई इंप्रूवमेंट है उसको देखने के लिए, और ऑपरेशन से पहले बीपी से लेकर शुगर तक कई सारी बीमारियों में ये टेस्ट किया जाता है। सो दिस इज द आइडिया अबाउट इकोकार्डियोग्राफी, आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू डिड, अगर अच्छा लगा, मजा आया, हार्ट के बटन दबाने हैं, लाइक वाइक दबाते जाना है, शेयर करते जाना है, सबको बताना है कंपलसरी। सो एनी क्वेश्चंस, कोई भी सवाल हो जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। डॉक्टर परमजीत सिंह।